ओम गम गणपतये नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम भविष्यवाणी में। आज 20 नवंबर है और दिवाली के बाद इस सप्ताह कैसा रहेगा आपका भविष्य, इसी बात पर बात करने के लिए आपके साथ हाजिर हूँ मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। यह सप्ताह मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या समेत सभी राशियों के लिए विशेष है। ग्रहों की चाल क्या प्रभाव डालने जा रही है, आइए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह सामाजिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। 20 तारीख के बाद से कार्य में आपको वरिष्ठ सहयोगियों से उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। किसी काम को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सेहत की बात करें तो जिन लोगों की दिनचर्या में बदलाव हो गया है उनको दिनचर्या को ठीक करना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मित्रों से संपर्क बनाएं और परिवार के लोगों के साथ अधिक समय व्यतीत होगा और कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। वृषभ राशि। आप इस सप्ताह गुस्से और अहंकार से बचें, अन्यथा आसपास के लोगों से वाद विवाद होने की आशंका है। मन मुताबिक कार्य ना बनने से मानसिक रूप से निराश होते नजर आएंगे। इस दौरान आप तनावपूर्ण भी रह सकते हैं और आने वाले कुछ दिन करियर एवं शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद लेकर आएंगे। व्यापारियों को नई योजना की शुरुआत करने से बचना चाहिए। युवाओं का आलस्य के कारण किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, लेकिन आलस्य का त्याग करना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। जीवन साथी और पिता की बातों को प्राथमिकता दें। मिथुन राशि वाले, इस सप्ताह के शुरुआत में अनैतिक प्रवृत्तियों से मन भ्रष्ट ना हो जाए, इस ओर विशेष ध्यान रखें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कुछ चिंता रहेगी। कार्यों को लेकर कुछ सकारात्मक सूचना मिल सकती है। जो लोग खाद्य पदार्थों का व्यापार करते हैं उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा और सेहत को ध्यान रखते हुए शुद्ध भोजन का ही सेवन करें। कर्क राशि वाले, इस सप्ताह ज्यादा आप मानसिक रूप से आलस्य महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रहे महत्वपूर्ण कार्यों में कोई लापरवाही ना हो। भविष्य को लेकर मन में कोई विचार आ सकते हैं। ऑफिशियल कार्यों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि कुछ समय पहले ही कोई नया व्यवसाय शुरू किया था तो इस सप्ताह की 20 तारीख के बाद व्यापार में गति देखने को मिलेगी और व्यवसायिक यात्रा शुरुआती दिन में ना करें तो अच्छा ही होगा। 21 के बाद से ठीक रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ने लिखने में मन कुछ कम लगेगा। सिंह राशि वाले, इस सप्ताह तालमेल कर बात करना शायद ठीक नहीं है। अपनी बात को सहजता के साथ कह देना ही श्रेयस्कर रहेगा। ऑफिशियल कार्यों के प्रति सजगता बनाए रखें। बास के द्वारा कही गई बातों को टालें नहीं। व्यापार से संबंधित जुड़े लोगों को ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना होगा। त्यौहार के बाद इस सप्ताह मंदी का सामना करना होगा और सेहत में जिन लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है, खासकर एलर्जी से संबंधित, वह सचेत रहें। कार्यक्रम में जाने के लिए निमंत्रण मिल सकता है। समयानुसार सपरिवार सम्मिलित भी हो सकते हैं। कन्या राशि वाले, महादेव की आराधना से सप्ताह का प्रारंभ करें। ऐसा करने से मन के अज्ञात डर दूर होंगे और खुद में सकारात्मकता, ऊर्जावान महसूस करेंगे। नई नौकरी के लिए चल रहे प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी और उसके बाद संभावनाएं ज्यादा बनेंगी। ऑफिस के लोगों से अच्छा तालमेल बना रहेगा। साथ ही मधुर वाणी से आप सबका दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह के मध्य के बाद रोगों में सुधार देखने को मिलेगा। तुला राशि वाले, इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी और मानसिक तौर पर मजबूत भी दिखेंगे, लेकिन सप्ताह का आखिर मानसिक उलझने बढ़ा सकता है। अपनी कीमती चीजों के प्रति अलर्ट रहें। लॉस व चोरी होने की आशंका है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उन्हें भी योग करने की सलाह दें। यदि घर में कोई आयोजन है तो परिवार में सबके साथ तालमेल बनाकर चलें। मिसकम्युनिकेशन विवाद को जन्म दे सकता है। सप्ताह के अंत में परिवार या कुल में कहीं से शोक समाचार मिलने की आशंकाएं भी बनी हुई हैं। वृश्चिक राशि वाले, जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं वे सतर्क रहें, साथ ही अधिक से अधिक लोगों की मदद भी करें। छोटे व्यापारियों को लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है और 18 तारीख तक सरकारी नियमों का पालन करें। अन्य शहर की यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। हेल्थ को लेकर सजग रहें। डिहाइड्रेशन और गिरकर भयानक चोट लगने की आशंका है। वाहन चलाते समय गति को संयमित रखें। धनु राशि वाले, नौकरी से संबंधित नकारात्मक सूचना मिलने की आशंका है। बड़े व्यापारियों को कोई भी निर्णय लेने में
धैर्य बनाए रखना होगा और सेहत को लेकर सिर में दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। चल रही महामारी के प्रति आपको सजग रहने की सलाह भी दी जाती है। मकर राशि वाले, छोटे व्यापारियों को धन से संबंधित चिंताओं में कुछ राहत मिलने की संभावना है और साथ ही इन दिनों आपको आर्थिक मामलों और लेन देन के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में निराशा हाथ लग सकती है। सेहत की बात करें तो अचानक स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। मोबाइल, टीवी एवं लैपटॉप का प्रयोग कम करें क्योंकि आँखों से पानी गिरना व जलन अधिक रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक, कार्य क्षेत्र में अपने दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले सरकारी कार्य व आर्थिक मामलों में योजना बना सकते हैं। अंत तक धन लाभ होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जो विद्यार्थी किसी टेक्निकल परीक्षाओं या मेडिकल संबंधित परीक्षाओं को तैयार कर रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल होगा और परिवार वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मीन राशि वाले, मानसिक विचल भी सुधरता दिख रहा है। यदि आप घर से काम कर रहे हैं तो उच्च अधिकारी एवं सहकर्मी दोनों ही आपके कार्य व व्यवहार से प्रसन्न हो सकते हैं। व्यवसाय में जोखिमपूर्ण कार्यों में धन लगाना हानिकारक हो सकता है। 19 तक आर्थिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा गंभीर रहना होगा क्योंकि समस्या इस दौरान परेशान कर सकती है और महत्वपूर्ण फैसलों में बड़ों की बातों का मान रखें। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में नए एपिसोड के साथ।